आप सबका बहुत ही ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखने वाले हैं पाकिस्तान का सबसे ज्यादा स्मार्ट आदमी, जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आज हम देखेंगे भाई वो कितना से ज्यादा इंटेलिजेंट है। वैसे शक्ल से तो मुझे लग नहीं रहा है ऐसा जो टाइटल लिखा हुआ है, मे भी इसका उल्टा ही कुछ मतलब हो। ऐसा करते हैं वीडियो को देख लेते हैं और हमने सारे एक्शन पे आज से कल की मूवी जो है ना जो देखने के मतलब चाहते हैं वो स्टार्ट की, जाके वो भी देखना। KGF पे रिएक्शन दिया है वो भी जाके जरूर देख लेना। देखते हैं आज की वीडियो। मुसलमान इज पावरफुल। काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फर्क होता है। कौन सा फर्क होता है? जब से तलवार छोड़ी है तो हम काफर हैवी हो गए आप लोगों पर। काफर मारते रहो तो काफर ठीक रहते हैं, अपनी पकात में रहते हैं। शेरों को मत छेड़ो। आप मानो या ना मानो, एक बात बिल्कुल सत्य है कि 90% पाकिस्तानी हिंदुस्तान और हिंदुओं से नफरत को भी नफरत हो जाए इतनी नफरत करता है। सही बात है। इसलिए तो आज पाकिस्तान में 1947 में जो 28% हिंदू थे आज घट के 1.5% रह गए। आप खुद सोचिए, जब ऐसी जहनीत के लोगों को ये पता चले UAE के अंदर एक भारतीय मंदिर बन रहा है, वो भी भारत सरकार UAE सरकार की देख रेख में वो मंदिर बन रहा है और उसकी नींव डाली गई है, अभी ये खबर जब पाकिस्तान पहुंचेगी तो पाकिस्तान में क्या बलबला मचेगा, सोचिए। और इसी बलबले का आपको रहता है इंतजार, तो चलते पाकिस्तान। दुबई के अंदर हिंदुओं का एक मंदिर बनाया गया है जिसके अंदर तकरीबन 13 के करीब देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं और हिंदुओं को ट्रिब्यूट देने के लिए वो एक दिन पहले ही हिंदुओं के लिए ओपन कर दिया गया ताकि हिंदू वहां पर आकर अपनी वर्शिप कर सके, अपनी पूजा पाठ कर सके। क्या समझते हो आप के जो दुबई ने ये सही किया या गलत किया? अगर तो कन्फर्म है तो मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। पैसा आ जाने के बाद इंसान अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़िंदगी के जो अपनी ज़िंदगी है ना उसके रहन सहन को चेंज करता जाए और बंदा अपनी जो जिस लाइन पे चल रहा है उस लाइन से आगे पीछे हो जाए, अच्छा नहीं है। लाइन क्या है सर? लाइन है ये दीन इस्लाम है, इसकी एक मुकम्मल एक ज़िंदगी है। हम लोगों ने ये इन अरब लोगों की ही कॉपी करके यहाँ पे दीन पहुँचा था। ये बिल्कुल सच्चा मुसलमान है। भैया ने बिल्कुल बोल दिया कि भाई वो असली मुसलमान है, तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो। भाई एक ने तो माना कम से कम। वहाँ पे उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी ना दीन इस्लाम की, जो हमने उनकी कॉपी की थी, उन्होंने हमको दीन सिखाया था अरब ने। वो अहले अरब जो हैं अब किस दुनिया या किस ज़िंदगी को वो अरे कहना क्या चाहते हो? अपनी ज़िंदगी को किस तरफ कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं शॉर्ट एंड कट में कि जो उन्होंने मंदिर बनाया जो कि दुबई के अंदर, वो काम सही नहीं किया? हाँ, बहुत गलत काम। अगर अभी कोई UAE वाला इसकी बातें सुन रहा होगा ना तो वो अपना हंस हंस के ना दीवार सर में मार चुका होगा कि क्या बोल रहा भाई, क्या बोल रहा है। दीन पे आप देखे ना, वापस अपनी हिस्ट्री में चले जाए। पहले तो वो उन्होंने सारे बुत गिराए हैं, वही तो लोग थे बुत गिराने वाले, ठीक है ना। अभी वही उनकी वो जो पीछे खून में उनके वो खून में जो था, अब वो जाग पड़ा है। बंदे में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। उनको वो पीछे वाली जो हिस्ट्री है उसमें खून में जो शामिल थी चीज, अब वो जागने हो गई है उनको। तो मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले हमने बुत गिराए हैं उसको दोबारा बनाकर तो हम दोबारा से उसको दावत दे रहे हैं हिंदुओं? मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात नहीं है। आज उन्होंने बनाया कल कोई और बनाएगा, ये शुरुआत अच्छी चीज नहीं है। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ, ये UAE सऊदी अरब को ये कन्वर्टेड मुसलमान इस तरीके से कैसे समझा सकते हैं कि भाई तुम इस्लामी हो और उनको इस्लाम का ज्ञान देते हैं। जहाँ से इस्लाम चला, जहाँ से इस्लाम बना, जहाँ इस्लाम जन्मा, जहाँ इस्लाम पला, उस जगह के लोगों को ये कहते हैं कि भैया इस्लाम इस तरीके से चलाओ, ये इस्लाम है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब आप कह रहे कि सही नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है। पाकिस्तान में भी बन रहा था मंदिर तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दिया गया। क्या समझते हो आपके ये अच्छा किया या गलत? ठीक है, नहीं बनने दिए, नहीं और नहीं बनने देना चाहिए। औकात में रहो, नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होता? नुकसान क्या होता? दीन इस्लाम का नुकसान होता है। क्या नुकसान? मानव का नुकसान होता है। एक तरह काफर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, इस्लाम को नुकसान होता है। पाकिस्तान को ऐसे जाहिलों का मुल्क थोड़ी ना कहा जाता है। इन भाई साहब को देखिए आप। काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फर्क होता है। कौन सा फर्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफर जिएगा अपने तरीके से। और काफर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब मौलाना साहब है, ठीक हो गया सर। पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम है। कफार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें, ठीक है। अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो? हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे। हाँ भाई हाँ, हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे।
ये भगवान क्या जुलुम है, या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको जी। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुसलमान हैं तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफर हैवी हो जाएगा आप पर, ठीक है। इमरान खान हुकूमत आई, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जहादों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफर को हैवी करना अपने ऊपर, जहाद अब काफर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है, होल्ड होता है। जब मुसलमानों को आप दबा के रखेंगे तो क्या होगा? वाह 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 वाह, जिहाद का ज्ञान मिल रहा है, ले लो जी। वो इंडिया वाले जो बुत वाले हैं, जो कुछ लोग हैं, अभी वो खुद कहेंगे यार आप लोग बुतों से कह रहे हैं, वो देखो दुबई में हमारे बुत खुद बना रहे हैं, पाकिस्तान में वो देखो हमारे बुत खुद बना रहे हैं। तुम दीन किसी हिंदू को, किसी हिंदू ने कभी ये तो नहीं कहा कि इंडिया में कितनी ज्यादा मस्जिदें हैं सर, आपको पता है? एक बात बताऊं आपको, जी जी, हम खुद क्यों बना रहे हैं, वो बनाते हैं अपना। 1400 साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा रोजा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफर की चाल हो गई। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज, मुसलमान किसने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे, घूमते क्या करती हैं? इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारी गलती करती हैं। गलती नहीं, हमारी गलती नहीं होती है, गलती होती है ना, गलती होती है। मेन पॉइंट जो हेड होते हैं वो किसी चीज को फॉलो नहीं करते, वो देखते हैं पीछे से ऑर्डर गया है, ऑर्डर को फॉलो करो। सर हमारा कसूर, वाम का कसूर होता है, मुसलमान का कसूर, मुसलमान का कसूर होता है कि ये बोलते नहीं है। अब आजकल का मुसलमान मुसलमान है पूरा, आजकल का मुसलमान इसकी कंडीशन है, कौन से कंट्री का कौन सा मुसलमान आपको पता है? बड़ा आनंद आ रहा भाई, बड़ा आनंद आ रहा है, इन कन्वर्टेड मुसलमानों का दर्द सुन के बड़ा आनंद आ रहा है भाई, बड़ा आनंद आ रहा है। मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान का मुसलमान पूरा मुसलमान है। आपको पता है जब से ये इंटरनेट वगैरह जो पूरी दुनिया में छा गया ना, इंटरनेट तो आप इंटरनेट कलम की तरह है, आप उस कलम से चाहे सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, उसके ऊपर लव लेटर लिखो चाहे उसके ऊपर आप कोई अच्छी बात लिखो, कलम का भी ऐसे ही तो इंटरनेट को आप बुरा नहीं कह सकते। ये आप तो ये आप ही नहीं कह सकते, मुसलमान कमजोर है। मुसलमान इज पावरफुल, ठीक है। किस बात से? किस बात से? अगर ईमान हो ना तो सब कुछ हो ना, मुसलमान का मतलब है ईमान वाला होना। अगर ईमान है, कायम है आपका, तो आप पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं, ठीक है। सर देखें कि ईमान कमजोर, ईमान मजबूत होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप सारी अकलियतों को उनका बराबर पूरा पूरा हक दो कि भाई आपकी आपका अपना मुल्क है, आप जैसे मर्जी जीना चाहो तो आप जी सकते हो। क्या अकलियतों का क्या यहाँ पर मंदिर बनने से हमारी ईमान पर कोई असर पड़ता या पड़ता है? जी किस चीज से पड़ता? कुफार है, कुफार के कई ऐसे मुल्क है जिधर अजान देना लाओ नहीं है, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं कि इधर मंदिर बनने से हम, अगर हम उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा? जब से तलवार छोड़ी है तो हम काफर हैवी हो गए आप लोगों पर। सर मारते रहो तो काफर ठीक रहते हैं, अपनी पकात में रहते हैं। सोए हुए शेरों को मत छेड़ो, तलवार का दौर थोड़ा आगे आ जाए सर। सोए हुए शेरों को मत छेड़ो सर, शेर देखे तलवार का दौर खत्म है अभी, तलवार का दौर खत्म है ना अभी, दिमाग का दौर है, साइंस का दौर है, वो नई टेक्नोलॉजी। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। देखे मेरे नबी, मैं पहले मेरी छोटी सी बात सुन ले। जब मेरे नबी इस दुनिया में थे ना, तो उन्होंने उस टाइम के मुताबिक तैयारी की कि जब लोग तरवालों से लड़ते थे, जब लोग हथियारों से लड़ते थे, तो अब के टाइम की अगर मैं बात करूं तो अब सारी टेक्नोलॉजी का दौर है सर। हम टेक्नोलॉजी से, इसी मेंटेलिटी से, हम टेक्नोलॉजी से दुनिया से हजारों साल पीछे हैं। कौन सी गाड़ी, मेरी बात सुने, 5G 6G 7G लॉन्च होगी, हमें नहीं पता होगा 5G 6G 7G क्या है। जनरेशन है जो कि इंडिया ने अचीव कर लिया है, इंडिया बन गया। अब आप सोच नहीं सकते कि वो 5G क्या चीज कर सकती है। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, वो गाड़ी आप लंदन में चला रहे हो तो वो चल के पाकिस्तान में चल रही होगी। इस किस्म से हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है और दुनिया हम इसी मेंटालिटी से कि सर जहाद फर्ज है मुसलमान पर। मैं मानता हूँ कि मैं भी जहाद करना, आपको भी जहाद करना, लेकिन उस किस्म की तैयारी तो करनी चाहिए ना। अगर हम जहाद के लिए निकले और वो हम दुश्मन हमसे हजार गुना पावरफुल हुए तो हमारे जहाद किस काम का आएगा? आप मुझे बताएं, मुसलमान को उस किस्म से तैयारी करनी चाहिए या नहीं कि अपने जंग के, खाली जंग के लिए नहीं सर, प्यार के लिए, इखलाक के लिए। जो मेरी बात सुने, कभी भी जहाद के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन कश्मीर वालों से पूछे, कश्मीर ना हमारे साथ आना चाहता है ना वो इंडिया के साथ जाना चाहता है। वो तो कहते हैं हम अलहदा मुल्क बनाएंगे अपना। आप कश्मीर की वजह से अपने मुल्क, हम कश्मीर की वजह से सारा मुल्क तबाह कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी टॉपिक जो कश्मीर वाले वो तो कहते नहीं हम पाकिस्तान के साथ रहना, वो रहेंगे यार, वो हमारे भाई हैं। हमारे नबी ने दुनिया में आते साथ ही सिर्फ ये सिखाया कि मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत।
हिंदू एक औरत जब गली से गुजरती थी ऊपर कूड़ा फेंकते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, एक दिन नहीं फेंका तो पता लेने गए कि क्या वजूहत है, बुढ़ी अम्मा तूने मुझ पर कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तो वो बताने लगी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ तो इसलिए मैंने कूड़ा नहीं फेंका। उसने जब बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ तो उसने ईमान कबूल कर लिया इस वजह से, इखलाक की वजह से। ये कहानी हर हिंदुस्तान का मौलाना भी सुनाता है, लेकिन ये कहानी ना तो इनकी कोई कुरान में लिखी हुई है ना किसी हदीस में लिखी हुई है, ये तो बने बनाए किसी कहानियां इनकी, शुगर कोटेड इस्लाम। मुझे आप एक चीज बताइए, वो नबी जिस नबी के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी रोज़ाना, और कुछ मुद्दत के बाद में वो बुढ़िया बीमार हो गई और कूड़ा ऊपर से नहीं आया, तो आप उसकी तीमारदारी के लिए चले जाते हैं? वो नबी जिसने ये कहा हो कि अगर आपका पड़ोसी भूखा रह जाए और आप पेट भर हैं तो आप मुसलमान नहीं हो सकते? जी मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं कि इन्होंने जो कूड़े वाली ये बताया है, वाकया बताया है कि वो जो बुढ़िया थी वो कूड़ा फेंकती थी और रसूलुल्लाह एक दिन वो नहीं आई तो रसूलुल्लाह गए उनकी तीमारदारी के लिए। मैं मौलाना साहब को चैलेंज करता हूं आज टीवी शो पे कि इस वाकये की दलील दे दे, कौन सी ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए रेडी हूँ। ये झूठ प्रोपेगेंडा यानी झूठी बातें ये फैलाई जाती है। इन पाकिस्तानियों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ भरी हुई है, इखलाक, दीन, इस्लाम, मुसलमान। इसके अलावा ये कभी भी कुछ नहीं सोचते, ना ये कभी डेवलपमेंट पे बात करते हैं, ना कभी टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, ना कभी साइंस पे बात करते हैं। ये पाकिस्तानी मोस्टली इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं और इसी के अंदर इनकी सुबह से शाम गुजर जाती है और फिर अगले रोज उठ के फिर वापस से यही सब। तो अब मेरे पास आज की वीडियो, तो भाई आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर सब लोग देखते हैं तो हर बंदा जो है ना, अब इंटरनेट जो है ना इसने बहुत ज्यादा लोगों को फायदा रोजगार दिया है। मतलब जब पहले इंटरनेट नहीं था होता तो लोग मतलब एक फर्ज करें किसी को खत भेजना होता था तो कितने दिन लगते थे, तो इतने इतने दिनों के बाद किसी के पास पैगाम मतलब किसी की मतलब फर्ज करे डेथ हो जाती थी तो उसको पैगाम पहुंचाने में इतना टाइम लग जाता था कि वो अगले बंदे को वो दफना देते फिर उसको पता चलता था कि भाई उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। लेकिन आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, भाई मोबाइल पकड़ा उसी टाइम आप बता देते कि भाई ये यहाँ पे हो रहा है, हम पूरी दुनिया से बखबर किस तरह से रहते हैं इंटरनेट की वजह से रहते हैं ना, तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है। अब मतलब हम जब पहला दौर हुआ करता था ना तो वो पहले दौर की बातें थी, तलवारों से लड़ना या फिर इस तरह हथियारों से लड़ना वो पहले दौर की बातें थी, वो उस लिहाज से था। लेकिन अब जो दौर है ना वो अब टेक्नोलॉजी का दौर है, सारी दुनिया जो है उसकी कोशिश, अब अमेरिका है उसका क्या मतलब क्यों वो इतना आ गया, वो टेक्नोलॉजी में आ गया, चाइना कैसे इतना आगे बढ़ा क्योंकि उन्होंने अपने जो है लोगों पे काम किया, टेक्नोलॉजी पे काम किया, इंडिया भी अपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, वो हर चीज में काम कर रहा है और हम जो है वही मतलब इतने सदियों पहले जो बातें थी ना उन पे अटक के रह गया, हमें भी अपना जो माइंड है ना उसको थोड़ा खोलने की जरूरत है कि हम भी अपना दिमाग खोलें और फिर हम देखें किस तरह से तरक्की करते हैं। आखिर दिमाग तो सबको एक जैसा ही मिला हुआ है ना, बस उसको यूज करने का तरीका आना चाहिए, अगर आप उसको सही जगह पर यूज करते हो तो सच में पाकिस्तान के हालात आज ये ना है जो अभी है, अगर हमने अपना दिमाग सही कामों पर यूज किया होता हम हड हराम ना होते और अपनी अकल अपना यूज करके तो हम भी भाई चांद पे पहुंच सकते थे, हम भी बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि हमारे पाकिस्तानी आवाम यही बोलते हैं कि हम काफिरों को खत्म कर देंगे और काफिर ये काफिर वो फलात काफिर वो इंसान है, ये तो सोचो कि वो इंसानियत के नाते, चाहे आपका मजहब नहीं मैच करता लेकिन इंसानियत के नाते ये सोचो आप कि हमें उनको सही बात है, हमें उनसे अच्छे हैं इसीलिए तो वो तरक्की कर रहे हैं, क्यों तरक्की कर रहे हैं, अगर आप इतने अच्छे होते तो आप क्यों ना उनसे आगे बढ़ जाते, आप क्यों अमेरिका के बराबर नीचे चले गए, क्यों आप अमेरिका से लेके खाते हो, क्यों करते हो ये सब कुछ, अमेरिका जो खाते हाँ क्यों काफरों से लेके खाते, अमेरिका जो बोलता है क्यों, वो हमारे कंट्री में सब कुछ होता है, अमेरिका हमें जो बोलता है ना हमारे कंट्री में सब कुछ वही होता है, तो ये होते हैं ऐसे ईमानदार होते हैं कि आपका अपने कंट्री के साथ वो ईमानदार है, हम लोग अपने कंट्री के साथ ईमानदार नहीं है तो हम लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि हमारी वजह से हमारा कंट्री जो है वो आगे कभी बढ़ेगा, काफरों से लेके खाना बंद कर दो तो पता चलेगा कि हमारे कंट्री, जब वो कोई लोन लेना होता है तो IMF के पास भागे जाते, वहां भी काफिर बैठे हुए हैं, वो भी उम्मीद का पैसा है, अब यहाँ पे बोलता है काफिर ये काफिर वो फ्लाट धमका हम जहाज कर देंगे, जहाज अपने नफ्स से करो अपने आप से करो फिर तुम्हें पता चलेगा कि जहाज क्या होता है। ये भी आज के लिए क्या बोलना चाहेंगे प्लीज बताएगा, फिर मिलता है कौन मिल जाता है।